बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त हमने ये एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल पर किया था। किया हमने कुछ यूँ था कि एक गिलास के अंदर हमने आग जलाई थी, तो गिलास में मौजूद तमाम ऑक्सीजन और एयर बर्न हो चुकी थी। और किसकी वजह से? आग की वजह से। और वही हवा और ऑक्सीजन हमारे एटमोसफियर यानी माहौल में मौजूद थी, और वही हवा हमारे गुब्बारे में भी मौजूद थी, क्योंकि हवा के बगैर गुब्बारा फूल ही नहीं सकता। तो जैसे ही हमने ग्लास को गुब्बारे के साथ लगाया, तो गुब्बारे में मौजूद हवा का प्रेशर ज़्यादा था। तो उस वक्त हमने एक गुब्बारे के साथ दो ग्लास लगाए थे, लेकिन आज हमने ये चेक करना है कि एक गुब्बारे के साथ हम मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ग्लास लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि हम कितने ग्लास लगा लेंगे, लेकिन जो होगा आपके सामने होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी कि नीचे जो रेड बटन है ना, इसको दबा दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चले हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गुब्बारा हमारा हो चुका है तैयार। देख सकते हैं कि ये ग्लास भी लग चुका है। तो आप देख सकते हैं कि पांच गिलास हमारे लग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि छह गिलास हम लगा चुके हैं। ये है वैक्यूम। तो और गिलास हम लगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे सात गिलास लग चुके हैं। तो ये है हमारा आठवां गिलास, देखते हैं क्या होता है। यानी कि सात गिलास हमारे लग चुके हैं। ये है नौवां ग्लास। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने वैक्यूम की मदद से एक गुब्बारे के साथ नौ ग्लास चिपका दिए हैं। और इनका वेट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, ये फट भी सकता है, लेकिन जो भी होगा आपके सामने होगा। दिस इज ऑल्सो डेंजरस फॉर मी, बट आई कैन डू इट। ये है दसवां गिलास। छोड़ दा। यानी कि दस गिलास हम लगा चुके हैं। ये
आखिरी गिलास है, इसके बाद अगर फटा नहीं तो हम तमाम गिलास उतार देंगे। दिस इज लास्ट ग्लास। यस, ये आप देख सकते हैं कि टोटल 11 ग्लास लग चुके हैं एक बैलून के साथ, और बैलून की काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, मैं समझता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ना निकल रहे हैं, एक ग्लास नीचे गिर भी चुका है, यानी कि 11 ग्लास हमने लगाए हैं और इसको अब हमने उतारना है। यानी कि तो इसको निकालने का तरीका ये है कि इसको हम फौरन खींच के नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम है। हमने इसको थोड़ा सा इसका गैस निकालना है, ये देखें इस तरह हम ये गिलास निकालेंगे, क्योंकि अगर खींच के निकालेंगे तो कभी गुब्बारा फट जाएगा। यानी कि इसका निकालने का तरीका ये है कि ऐसे निकालेंगे इसको, ऐसे, ये देखें आराम से ये देखें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये 11 ग्लास लगाए और आसानी से हमने उन तमाम 11 ग्लास को निकाल लिया। लेकिन मुझे शक था कि गुब्बारा फट जाएगा, लेकिन गुब्बारा नहीं फटा, तो गुब्बारा बिल्कुल हमारे पास सेव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना, गुड बाय।